तो यार हल्क, थॉर, गॉडजिला और कॉन्ग आजकल बहुत चर्चा में है, तो यार मैं क्यों पीछे रहूं। तो यार इसीलिए आज के इस ऑसम वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे हल्क, थॉर वर्सेस गॉडजिला और कॉन्ग का। और यार कुछ लोग तो मुझसे पक्का पूछेंगे कि हमने गॉडजिला वर्सेस एवेंजर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने उस वीडियो में गॉडजिला अर्थ को लिया था, और इस वीडियो में हम लेंगे गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर को। और गॉडजिला अर्थ बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में इन कैरेक्टर्स की कौन कौन सी फॉर्म्स को लिया है। तो हमने लिया है थॉर रैगनरोक तक का हल्क, जो कि सकार का चैंपियन था, और मेरे हिसाब से वो उस टाइम अपने पीक लेवल के आसपास था। प्लस हमने लिया है वो थॉर जो कि इन्फिनिटी वॉर में था स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर प्लस कॉन्ग। तो यहाँ पे मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में जो चीजें हुई थी उनको भी इंक्लूड करने वाला हूँ, हाँ कॉन्ग के एक्सी को भी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके, ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम इन करेक्टर्स का कंपैरिजन अलग अलग बेसिस में करने वाले हैं, और जिन बेसिस में हम इनका कंपैरिजन करेंगे वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। और इन अलग अलग पॉइंट्स के बाद हम इनका 2 vs 2 शोडाउन भी कराएंगे, तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे हम इनकी पावर्स की नहीं बल्कि सिर्फ सिंपली स्ट्रेंथ की ही बात करेंगे। तो यार हल्क, गॉडजिला, कॉन्ग इन तीनों की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है थंडरगॉड के आगे, क्योंकि थॉर ने डाइंग स्टार को ओपन किया था और उसकी रिंग्स को मोड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि डाइंग स्टार की रिंग्स बहुत बहुत भारी होती है, और इनका वेट एक प्लैनेट के जितना तो होता ही है, और अगर कॉन्ग और गॉडजिला साथ में भी आ जाए तब भी उनका वेट एक प्लैनेट के जितना नहीं होगा। तो यहाँ पे तो यही लग रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में थॉर और हल्क इस पॉइंट को ले जाएंगे। अब सेकंड बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो अगर बात करें हल्क की, तो हल्क के पास बहुत कमाल की ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि उसके पास है रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर। उसका हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हील कर देता है, जिसकी वजह से हल्क लंबी फाइट में टिक सकता है। और अगर बात करें थॉर की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी की तो बात ही क्या करनी। थॉर इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में पावर स्टोन के रेडिएशन को अपने माथे में डिफेंड किया था। प्लस आपको डाइंग स्टार वाला इवेंट तो याद होगा ही, जहाँ पे थॉर ने डाइंग स्टार की सारी एनर्जी को अपने ऊपर लिया था, और ये भी चीज़ उसकी ड्यूरेबिलिटी को ही दर्शाती है। और अगर बात करें कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी इन दोनों ही कैरेक्टर्स के आगे कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात आती है गॉडजिला की, तो हाँ उसके पास भी कमाल की ड्यूरेबिलिटी है। टाइटंस के खिलाफ भी गॉडजिला ने अपनी ड्यूरेबिलिटी का इस्तेमाल किया था, और ये टाइटंस कुछ भी नहीं है थंडरगॉड के आगे, यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी के आगे। थॉर की ड्यूरेबिलिटी के आगे ये टाइटन कुछ भी नहीं है। तो इन माई ओपिनियन ड्यूरेबिलिटी पॉइंट हल्क और थॉर को ही मिलना चाहिए। अब थर्ड बात करते हैं हीलिंग फैक्टर की। तो अगर बात करें कॉन्ग के हीलिंग फैक्टर की, तो उसका हीलिंग फैक्टर इतना बेहतरीन नहीं है जो कि थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को टक्कर दे सके। और अगर बात करें दूसरी तरफ गॉडजिला के हीलिंग फैक्टर की, तो उसके पास हीलिंग फैक्टर तो है, लेकिन उसको हील होने के लिए किसी रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी। और यार हल्क और थॉर शायद ही उसे कहीं मैच के बीच भागने देंगे। और अगर बात करें हल्क और थॉर के हीलिंग फैक्टर की, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि हल्क के पास रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर है। और अगर बात करें थॉर के हीलिंग फैक्टर की, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर वाली फॉर्म को ऐड किया है, और हम सबको पता है कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कितनी जल्दी हील हो जाता है। तो हीलिंग फैक्टर का पॉइंट भी मैं हल्क और थॉर को ही देना चाहूंगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जरूर ये बात नोटिस की होगी कि मैं हाइट के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहा, लेकिन यार जो हल्क इतने बड़े शोल्डर को भी हिलाने का दम रखता है, वो गॉडजिला और कॉन्ग को तो हिला ही देगा। और यहाँ पे कुछ लोगों को सॉल्टर की एग्जैक्ट हाइट का पता नहीं है, तो मूवीज में तो ऐसा बताया जा रहा था पहले कि सॉल्टर की हाइट है 800 से 1000 मीटर के बीच में, लेकिन बाद में हमें पता चला कि डायरेक्टर्स ने कहा कि सॉल्टर की ऑफिशियल हाइट है 4 किलोमीटर। तो यार खुद ही सोचो कि हल्क ने इतने बड़े बीम को भी हिला दिया था। और थॉर के लिए तो इन दोनों ही टाइटन्स की हाइट कुछ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि थॉर के पास उड़ने की एबिलिटी है।
और वैसे भी थोर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बींग्स को मार चुका है। फिर अगर हम बात करें थोर रैगनरोक की शुरुआत में दिखाए गए सर्टर की, या अगर हम बात करें सर्टर के उस ड्रैगन की, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि थोर ने बायफोस्ट का इस्तेमाल किया था इसे मारने के लिए, लेकिन भूल गए हो क्या कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफोस्ट को भी समन कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड के पॉइंट में हाइट का एडवांटेज होगा कोंग और गोडजिला को, क्योंकि हल्क जितना तेज दौड़ेगा गोडजिला और कोंग अपने कुछ ही स्टेप चल के उस डिस्टेंस को कवर कर देंगे। लेकिन तब भी स्पीड का पॉइंट मैं हल्क और थोर को देना चाहूंगा, क्योंकि थोर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से टेलीपोर्ट हो सकता है और वो उसकी मदद से बहुत आसानी से प्लस बहुत फास्ट भी उड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि स्पीड पॉइंट भी हल्क और थोर को ही जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो यार इंटेलिजेंस पॉइंट तो हल्क और थोर को ही जाना चाहिए, क्योंकि यार भूल गए हो कि हल्क का अल्टर ईगो है ब्रूस बैनर, और उसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो अब हम फाइनली बात करते हैं इन दोनों करेक्टर्स की पावर्स की। और जो चीज मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि हम लास्ट में 2 vs 2 शोडाउन भी करेंगे, वो भी मैं पावर्स वाले पॉइंट में ही इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो इंक्लूड यहाँ पे करना एकदम सुटेबल लग रहा है। तो हल्क और कोंग के पास अपनी कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, जैसे थोर के पास उसकी थंडर पावर है और गोडजिला के पास उसकी एटॉमिक पावर्स हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने ट्रेलर वाली चीजों को भी ऐड किया है, तो मुझे कोंग के साथ उसके एक्सी को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर में कोंग ने इसका इस्तेमाल करके गोडजिला के एटॉमिक ब्रिज तक को बीच से चीर दिया था। तो अगर बात करें थोर की, तो थंडर गॉड होने की वजह से थोर के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशंस है, यानी कि उसके पास थंडर पावर्स है, प्लस वो टेलीपोर्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर बायफोस्ट खोलने का दम रखता है। और गोडजिला के पास न्यूक्लियर पल्स की एबिलिटी है, प्लस उसके पास एटॉमिक ब्रीथ जैसे पावरफुल अटैक्स भी हैं। तो अब हम करते हैं इनका 2 vs 2 शोडाउन। तो अगर ये बैटल होता है तो इस बैटल में हल्क और थोर को एक छोटा सा प्लान चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर बना लेंगे। इस बैटल में हल्क के की तरह यूज होगा। पहले हल्क गोडजिला का ध्यान भटकाता रहेगा और उसी बीच दूसरी तरफ फाइट चल रही होगी कोंग और थोर की। और कोंग और थोर की फाइट होती है तो सबसे पहली बात यही आएगी कि कोंग का एक्सी ज्यादा पावरफुल है या स्टॉर्म ब्रेकर। तो इसका आंसर है स्टॉर्म ब्रेकर, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड कर दिया था और कोंग ने बस एटॉमिक ब्रीथ को डिफेंड किया था। और 6 इन्फिनिटी स्टोन का पावर बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ब्रीथ। इसलिए मुझे लगता है कि थोर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से कोंग को नॉकआउट कर देगा या मार भी सकता है, क्योंकि अगर थोर स्टॉर्म ब्रेकर से बार बार कोंग को मारे तो वो कोंग को मार भी सकता है। और इसी बीच दूसरी तरफ हल्क बहुत थक गया होगा और इसी बीच वहां पे एंट्री होगी थोर की, और फिर थोर और हल्क मिलके लड़ेंगे गोडजिला से। तो अब सबसे पहली बात आएगी कि क्या गोडजिला की एटॉमिक ब्रीथ थोर और हल्क को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी या नहीं। और जहां तक मुझे लगता है तो गोडजिला एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल थोर के ऊपर ही करेगा। अगर हल्क के ऊपर भी कर देता है तो थोर बीच में आ ही जाएगा, और अगर फिर थोर और गोडजिला के बीच बैटल होता है तो गोडजिला एटॉमिक ब्रीथ निकालेगा और फिर एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा इन्फिनिटी वॉर में हुआ था। थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से गोडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को चीरेगा, और हाँ इस बार तो वो पक्का सिर पे ही वार करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो गोडजिला के ऊपर एक ही अटैक करे और उसकी गर्दन अलग हो जाए। थोर को उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करना पड़ेगा और इसके लिए उसे सपोर्ट मिलेगा हल्क से। और जहां तक बात आती है गोडजिला की न्यूक्लियर पल्स की, तो थोर ने तो एक स्टार के एनर्जी को भी अपने ऊपर ले लिया था, तो न्यूक्लियर पल्स कौन सी बड़ी बात हुई। तो मेरे हिसाब से तो इस बैटल को जीतने के ज्यादा एडवांटेजेस हल्क और थोर के पास ही हैं। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और यहाँ पे मेरा ही नहीं बल्कि आप सब लोगों का भी ओपिनियन जरूरी होता है। इसलिए फटाफट से अपना ओपिनियन कमेंट में लिख दो। और यार अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी मिस हो गया हो और वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो यार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अभी के अभी सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाओ ताकि आप सब लोगों को हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वो मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सो एस एस 10 असेंबल्ड।